अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, आज हम आपको फिर से सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो अर्ज किया है कि अंकल मजबूर हैं बहुत ठरकी, वाह 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 वाह। अंकल मजबूर हैं बहुत ठरकी, कॉन्करर पुश करने वाले सबके सब जाते हैं जर की। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। और ये बात सच है अनोनिमस की पब्लिक के मुझ समेत, मैं जरकी नहीं जाता वैसे, लेकिन हाँ यासनाया, जॉर्जो की सिटी और गाड़ी लेके दूर दूर चला जाता हूँ, बट जरकी मैं नहीं गया। अल्लाह माफ़ करे, जरकी तो लेकिन इतना दूर कौन जाए, और वो सिटी भी एक अजीब सही है कलर वाला ना, तो मेरा दिल नहीं करता। जरकी नहीं जाता, बट जब रैंक पुश करता तो मैं गाड़ी लेके, जैसे अगर प्लेन जॉर्जो से जा रहा है तो गाड़ी लेके नोवो आ जाऊँगा, नोवो से जा रहा तो जॉर्जो चला जाऊँगा, ऐसे जाता हूँ मैं दूर दूर। तो वैसे ये हम काम करते हैं, वैसे शायरी भी मज़े की है कि रैंक पुश करने वाले कॉन्करर वाले जरकी जाते हैं, क्या सेफ खेलते हैं, जोन का डैमेज लेना ये वो मज़ा आता है ना गाइस। तो हम उतरे थे मिलिट्री बेस यानी अपने मुल्तान, और यहाँ पे एक स्क्वाड बड़ा लेट उतरेगा गाइस। देखो मज़े से लूट कर ली, हेलमेट मिल गया, वेस्ट मिल गई, बैकपैक मिल गया, और ये अब आ रहे हैं सारे के सारे। और ये हमारे भाई लोग के क्लैन का नाम था पीरो क्लैन, पीरो। ये लोग जो है यहाँ पे तीनों के तीनों फिनिश हो जाते हैं गाइस। और भी बंदे आए थे बट हम लोग ने ना इतना टाइम वेस्ट किया ही नहीं। लेकिन गाइस आज हम एक अच्छा काम करेंगे अनोनिमस की पब्लिक। देखो जितने बंदे भी देख रहे हैं हमारी रोज़ की वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, 2 लाख आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज अब मैं आप सबको एक काम देता हूँ कि मुझ समेत आप सब मिल के सिर्फ 5 रुपीज़, ओके 5 रुपीज़ किसी गरीब को देंगे या मस्जिद में डाल देंगे। बेशक आप मुस्लिम हैं तो आप, अगर आप मुस्लिम हैं मस्जिद में डाल दो, किसी गरीब को दे दो। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तब भी आप ना कहीं डोनेट कर देना अपने 5 रुपीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और फिर खुद इमेजिन करो गाइस, अगर ये 2 लाख बंदा वीडियो देख रहा है, अगर हम सब मिल के 5 रुपीज़ ऐसे किसी अच्छे काम में लगाते हैं, तो अगर 1 लाख बंदों ने मेरी बात मानी तो हम सिर्फ इस वीडियो के बाद 5 लाख रुपए डोनेट कर देंगे अनोनिमस की पब्लिक। 5-5 करके देख लो। तो यहाँ पर आए थे गाइस हम नोवो यानी कराची, और हमने बंदे डाउन किए, अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल बंदे आ चुके हैं। और यहाँ पे गाइस हमने जल्दी जल्दी इनकी लूट की, बेचारे भाई ने इतनी मदद से नोवो लूटा, और हम अचानक से आ गए। इनके टीममेट दूर थे क्योंकि इनको शक ही नहीं था कौन आएगा गाड़ी लेकर नोवो रश करने के लिए, या हॉट ड्रॉप करते हैं या फिर आते ही नहीं है कोई, हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे फिर हमारा एम अटक जाता है और हम थोड़ी सी देखती हो जाती है तो वापस रुक जाते हैं और गाड़ी के पीछे लेट जाएंगे। और बाबा जी अब ये 2 ही बंदे थे, इनका तीसरा मतलब आखिरी बंदा जो था ना वो पता नहीं कहाँ पे था, बट ये 2 बंदे जो थे ना ये काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, तो हमने मारे यहाँ पे बूस्ट वगैरह। हम नहीं चाहते थे कि हमारे हाथों इनकी क्रेट बने या इनके हाथों हमारी क्रेट बने, यस हम तो बनाना चाहते हैं क्रेट। बूस्टर वगैरह मार लेंगे बाबा जी, जिंदगी फिलहाल खतरे में आई हुई है, लेकिन आपको पता हमने मौत को छूना और टक से वापस आना, तो आगे कर दिया रश। तो बाबा जी इन दोनों को हमने पे डाउन किया, इनका आखिरी बंदा गाइस यहाँ पे नहीं था, फिर मजे से इनकी लूट करेंगे। और गाइस वो मेरे ऐसी माइंड में एक आइडिया आया था कि अगर हम सब मिलके 5 रुपए भी डोनेट करते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, तो आप खुद इमेजिन करो कि अनोनिमस ने और अनोनिमस की पब्लिक ने मिलकर एक वीडियो के बाद ही 5 लाख डोनेट कर दिया अच्छे काम के लिए, तो कितने मज़े की बात है ना गाइस। तो हम सब ये करेंगे और ऐसे ऐसे अच्छे काम इंशाल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। अगर आप मुस्लिम हैं तब भी सब मस्जिद में या अच्छी जगह डोनेट कर देना, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तब भी आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डोनेट कर देना। और गाइस उसके बाद हमने ये थोड़ा सा सस्ता नशा किया, आप भी ये कर सकते हो। देखो हमने गाड़ी कंटेनर के ऊपर चढ़ा के यहाँ पे उतार दी, फ़नी था, मज़ा आया। और इसके बाद हम लोग गाड़ी से यहाँ से लेके निकलेंगे। गाइस जैसे आपको पता हम मिलिट्री उतरे थे, वहाँ पे हमने लूट की और एक स्क्वाड मार के आ गए, लूट तो ज़्यादा नहीं की, बट वहाँ पे शायद फैक्ट्री वाली साइड पे या पुलिस स्टेशन वाली साइड पे और बंदे भी उतरे थे, हमें इसका ज़रा आइडिया नहीं था। हम मज़े से नोवो मिलिट्री क्लियर करके यहाँ से जा रहे थे कि फ्लेयर चलती है वहीं जहाँ पे हमने लैंड किया था, नहीं मतलब क्या मजाक हो रहा है। और फिर हम वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि गाइस अगर हम वहाँ पे पूरा मिलिट्री लूट करते तो काफ़ी कम अलाइव रह जाते और फिर किल्स नहीं मिलते, तो इसलिए हम लोग ना हल्की फुल्की लूट करके सिर्फ सी बिल्डिंग से लूट करने के बाद हम लोग निकल गए थे नोवो। फिर अब हमें वापस जाना था फ्लेयर पर, तो हम डायरेक्ट आके वापस मिलिट्री बेस, काफ़ी लंबा सफ़र रहा ये, पहले गए और फिर वापस आए। और यहाँ पे मेरे साथ ना इतना गंदा स्कैम होने वाला है अनोनिमस की पब्लिक, इतना गंदे वाली बेइज्जती होने वाली है ना, वो क्या होता है, हाँ बेइज्जती हो जाएगी थोड़ी सी, यस आप देखोगे
कितने स्वैग में देखो आपका अनोनिमस भाग रहा आगे, आहा लेफ्ट राइट गन पीछे रख के स्वैग देखो। एक बंदा कैंपिंग कर रहा है जो ब्लॉक पड़ा है ना इसके पीछे लेटा हुआ, देखो कोई साउंड नहीं दिया, कुछ नज़र नहीं आया, वो अचानक से खड़े होकर हम सेवन से डाउन कर दिया। कैसे लेट गया था यह वहाँ पे गाइस, और हमें पता भी नहीं चलने दिया। मज़े से आगे जा रहा हूँ स्वैग में मज़े से, और एक अचानक से भाई ठा डुस करके हम सेवन से हमारा बकरा बना दिया। एकदम से जान निकल गई, कहाँ से खड़े होकर मार दिया। सारा स्टाइल जो था ना उसका बेड़ा गर्क हो गया, सारा स्टाइल जो था ना वो रह गया ऐसे ही बस। और फिर रिवाइव मिलेगा हमें, बंदा अंदर भाग चुका है उसका, ये बंदा भी नॉक होके वापस से चला जाएगा इस सामने वाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, और वो डोर के पास उसको रिवाइव दे रहा होगा। पहले हम हील कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे रश करूँगा और देखते हैं भाई कि ये दो है या ज़्यादा। तो पता नहीं ये स्मोक कर रहा था या नेड हाथ में लेके बैठा था, पता नहीं मेरा भाई, लेकिन फिर हमने अभी फिनिश किया। ग्रोजा इनके पास है तो हम डीपी की जगह ग्रोजा उठा लेंगे, साथ में हम M4 चलाएंगे अपनी। ग्रोजा थी शायद में, या DBS आई होगी या MK आई होगी, बट उन दोनों में से इसने कोई गन उठाई नहीं, बट ग्रोजा हमने ले ली। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी उठाएंगे और पचिंकी वाली साइड पर, जोन एकदम लेफ्ट साइड पर था, मतलब गटका और वो क्वारी वाली साइड पर सारा बना था, तो वहाँ पे घर ज़्यादा होते हैं गाइस, रिच जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ना टाइम लग जाता है लाइक आपको बंदे ढूंढने में। तो सर्कल ऐसा था कि हमें बंदे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो हम लोग यहाँ से निकले दोनों के दोनों, उठाएंगे अपनी गधा गाड़ी और ढूंढेंगे बाबा जी बंदे। बाकी गाइस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो, आप लोग जितना प्यार करते हो ना मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका कम है। आपके लिए गीली चुम्मी, ये गीली चुम्मी आपके लिए, और जिनके ऊपर स्माइल आई वही मज़ा आया, और जिन्होंने ये वाला रिएक्शन दिया ना यू वो भी फनी, मतलब रिएक्शन तो कोई भी दे सकते हो, बट गीली चुम्मी तो हमने आपको ज़बरदस्ती देनी है। और फिर गाइस आ गए थे हम लोग ये गटका वाली साइड पे, गटका के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे पूरा स्क्वाड भागता हुआ नजर आ, और गाइस यहाँ पे पूरा स्क्वाड भाग रहा था, इनकी गाड़ी में शायद फ्यूल खत्म हो गया था, पर ये सारा ओपन में हमें नजर आया, तो हम पीछे रिच पे रुक गए। गाड़ी पीछे रुकनी चाहिए हमेशा गाइस, कभी भी गाड़ी अपनी एनिमीज के मुंह पे बिल्कुल मत रोको। अब ये बंदा जो था वो आगे आ रहा था कवर लेने के लिए, और बेचारे ने शूट नहीं किया, इसको करना चाहिए था, और जिसने किया मैंने उसको डाउन करना चाहा, बट मैं खुद कंफ्यूज हो गया था लेफ्ट वाले को मारूं या राइट वाले को मारूं। अब वो बेचारा उसको दो साइड से बढ़ रही, एक साइड से मेरा टीममेट मार रहा है, एक साइड से मैं मार रहा था, तो उसने मेरे टीममेट से कवर लिया, बट मुझे वो नज़र आ गया गाइस, तो हमने अब इनको फिनिश किया। और कभी भी गाइस अगर आपको अचानक से स्क्वाड नज़र आते ना, उनके मुंह पे गाड़ी मत ले लो, क्योंकि आप पैनिक कर जाओगे उतरते ही, आपको नहीं पता होगा वो अलग अलग एंगल से आपको मार देंगे। हमेशा जब भी रश कर रहे हो अगर ज़रूरत पड़े तभी डायरेक्ट रश करो, वरना पीछे रोको, एक नॉक करो और फिर रश करो। अगर रिच पे भी मतलब बंदे हैं तो पीछे रोको, और उसके बाद जो है ना एंगल लेके नॉक करो। डायरेक्ट जाओगे तो आपका जो है ना वो स्क्वाड बहुत जल्दी वाइप हो जाएगा, तो हमेशा पीछे गाड़ी रोकनी चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। गाड़ी में करेंगे गैस फ्यूल करने के बाद अपने टीममेट को बिठाएंगे और जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए और ज़्यादा। और अभी तो जो है ना लाइक ऐसा ख़तरनाक वाला स्क्वाड वाइप होने वाला है ना, ज़िंदगी एकदम ख़तरे में आने वाली है, लेकिन हम मौत को छुएंगे तक से वापस आ जाएंगे। अभी टॉम एंड जेरी का खेल शुरू होने वाला है। ड्रॉप लूट के बंदा भागा, और शायद इसने गाड़ी चेंज की थी, फ्यूल नहीं होगा। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई आप चलाओ, मुझे चाहिए खेल, और वो भाई सब भाग रहे हैं और हम अपनी गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे हम पीछे पीछे, टॉम एंड जेरी एकदम शुरू हो चुका है। और बेचारा अकेला था, उसने पूरी कोशिश की गाइस, इतना फुल जान लगा दी भाग जाओ मैं यहाँ से, बट बाबा जी ऐसे कैसे बाबा जी ऐसे थोड़ी हम होने देंगे। अपनी हमने गधा गाड़ी पीछे लगा के रखी, काफ़ी चेस किया, और मैंने इतनी गोलियाँ मार दी थी कि भाई की गाड़ी से धुआं निकलने लग जाएगा। बड़ी बड़ी गोलियां लगी गाइस, लगी यस। फाइनली भाई ने गाड़ी ठोकी, लेकिन गाइस भाई के साथ बताऊं क्या सीन हुआ होगा, वो होता है ना गाड़ी एकदम से कहीं ठुके ना तो लैग हो जाता है, बेचारा शायद लैग हो गया था, और फिर हमने गाड़ी में भाई को ब्लास्ट कर दिया। और अब भाई की करेंगे मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लूट का नो मजाक बाबा जी। तो लूट का नो मजाक हम करेंगे लूट, उसके बाद गाड़ी चेंज की क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं था, और सामने आ रहा था गाइस सरकारी डब्बा यानी ड्रॉप, और लेवल 3 हमें चाहिए था क्योंकि वेस्ट मेरी हो चुकी थी ख़त्म।
और हमारे ड्रॉप पे, लेकिन यहाँ पे आ जाएंगी गाइस दो दो गाड़ियाँ यानी दो दो स्क्वाड और एकदम से ज़िंदगी हमारी ख़तरे में आ जाएगी बाबा जी। गाइस ये पूरा का पूरा स्क्वाड है और ये लोग वापस चले गए थे। इन्होंने एक काम अच्छा किया, मैं आपको बताता हूँ, जब इन पे गोलियाँ पड़ रही थी इन्होंने गर्दन बाहर नहीं निकाली, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी गर्दन बाहर निकालते हो ना, जब अपनी बॉडी बाहर निकालते हो तो आपको ज़्यादा डैमेज होता है, तो इन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए ये बच गए, सिर्फ कोई नॉक नहीं हुआ उस टाइम पे। और दोनों साइड से अब गाड़ियाँ आ चुकी हैं, दो अलग अलग स्क्वाड आ चुके हैं, बट मेरा सारा फोकस इस स्क्वाड पे था क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉक किए थे और एक और नॉक किया, बट एक बंदा यहाँ पे बड़ा गंदा मार रहा था गाइस, ये देखो MK से, उसका साउंड भी MK का साउंड भी नहीं आ रहा था और वो MK से मार भी रहा था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, बट फाइनली इसको स्पॉट करके हम लोग डाउन कर देंगे। तो गाइस जो अलग बंदे थे वो मेरे टीममेट ने उनके डाउन किए थे, नॉक किए थे, बट वो शायद से फिर से रिवाइव हो गए और पता भी नहीं चला। यहाँ से एक बंदा ओम भी मार रहा था और यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाएगा डाउन गाइस, यहाँ पे ना एकदम से जो है ना ज़िंदगी ख़तरे में आने वाली है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं, तो बाबा जी यहाँ पे हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, मेरे साथ फिर से वही वाला ग्लिच हुआ था कि मेरा एम जो है एक जगह पे लॉक हो गया था, अटक गया था, और फिर मैं स्कोप जो है ना वापस से क्लोज कर दिया और ऐसे ही मारा था उसको, लाइक सिंपल जो होता है ना एरो, अपना आयरन साइट, नहीं आयरन साइट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मैं मेरे माइंड से निकल गया, बट हाँ मैं फिर स्कोप ऑफ करके मारा ADS क्रॉस एयर, यस फाइनली क्रॉस एयर से मारा उसको, तो वो गेज ठीक हो गया। उसके बाद बाबा जी हमें मिल गई यहाँ पे हमारी पहली मोहब्बत AWM, जो कि हमने फ़ौरन से उठा ली, क्योंकि ऑम मिले आप ना उठाओ तो मतलब पबजी क्यों खेल रहे हो भाई। फिर यहाँ पे आ जाती है एक बगी गाइस, ये फिर मेरा वही काम हुआ, पता नहीं गाइस ये मेरा ग्लिच ठीक नहीं होता अक्सर मेरे, लाइक आप लोग कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के साथ भी सेम होता है और मेरे साथ भी ये होता है अक्सर, स्कोप ओपन करो ना, शायद इस वजह से कि मैं ज़्यादा फिंगर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं खेलता हूँ 6 फिंगर गाइस, 6 फिंगर खेलता हूँ, तो शायद मेरी डिवाइस जो है मस्ती कर जाती है और 6 फिंगर पे वो ऐसे काम नहीं करती सही से, तो मे बी ये इशू हो सकता है, बट आप लोगों के साथ भी होता है, कॉमेंट्स में देखता हूँ। यहाँ पर बंदा डाउन किया था गाइस, टीममेट ने डायरेक्ट मर गया था और हम घूम फिर के अब और बंदे ढूंढने जाएंगे। अब गाइस जो फाइट थी वो थी 3v2, 19 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, 3 बंदे बचे थे, हम 2 थे, 3v2 फाइट थी और सामने मुझे गाड़ी खड़ी नजर आई, पहले मुझे लगा कि एनिमी है, बट ये हमारी ही गाड़ी थी जो हमने फाइट ली थी, बट यहाँ पे बंदा एक भागता हुआ नज़र आता है, तो मैं गाड़ी यहीं साइड पे रोक दूंगा और यहाँ से हम एंगल लेने का ट्राई करेंगे। इस बंदे ने अच्छा स्प्रे दिया बट गाइस फाइनली मैंने उसको डाउन किया, एक बंदा ऊपर डाउन है, दूसरा भी ऊपर उसको रिवाइव देने के लिए जाएगा, बट मेरा जो टीममेट है वो नेट करके उस बंदे को कर देगा डाउन, तो हम फौरन से हील करने के बाद गाइस ऊपर करेंगे रश। ये जो दो घर होते हैं ना गाइस, एक तो यहाँ पर हैं, दूसरे ये हैं, अगर आप मिल्ट्री वाली साइड पर जाते हो ना तो रास्ते में आते हैं, तो इनसे क्या होता है कि आप एक की छत से दूसरे की छत पर जा सकते हो, मैं ये इसीलिए यहाँ पर आया ऐसे करके, दोनों नॉक थे इनका। तीसरा टीममेट जो था वो गाइस, जब मैं इनको यहाँ पर डोर लॉक कर रहा था तो मुझे वो वहाँ से नज़र आ जाता है, सामने से आता वो ओम निकाली और जैसे भाई हमारे हेड दिखाएंगे बाबा जी, तो यहाँ पे हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ जो हमने आज ₹5 वाला डोनेशन वाला रखा कि आप कहीं भी डोनेट कर सकते हो अच्छे काम में, तो इससे एक वीडियो से देख लो हम 500,000 डोनेट कर देंगे, या शायद अगर 200,000 बंदे फॉलो कर दें तो हम शायद 1,000,000 डोनेट कर दें अनॉनिमस की पब्लिक, तो एक अच्छा काम हो जाएगा। तो प्लीज़ ये काम कर देना और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना गाइज़, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना क्योंकि मैंने एक क्लिप सेव की थी रूम में जाके बाइक वाली, काफ़ी ऑसम है तो आप वो देख सकोगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अनॉनिमस की पब्लिक, दिल से रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए, लव यू, अल्लाह हाफिज़।